हेलो फ्रेंड, राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट के इलेक्ट्रिकल लैब में आए हुए हैं, जहां हमारे टीचर्स लड़कों को प्रैक्टिकल करवा रहे हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि आज का जो प्रैक्टिकल है उसमें हमारे स्टूडेंट क्या पढ़ रहे हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। हेलो सर, आज आप लड़कों को किस चीज़ का प्रैक्टिकल करवा रहे हैं? आज की क्लास में क्या चीज़ का प्रैक्टिकल है? आज हम लोग थ्री फेज मोटर में लड़कों को स्टार डेल्टा कनेक्शन सिखा रहे हैं। जी ये बहुत ही आसान सा कनेक्शन है जो हम लोग लड़कों को सिखाते हैं। इसका कुछ प्रोसीजर है, उसको भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये स्टूडेंट लोग सब जान गए हैं, ये तो सीख गए हैं। तो कभी हम लोग बताए हैं, सवेरे में हम लोग इसका थ्योरी पार्ट को कवर किए हैं और अभी इसका हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ठीक है, उसी बारे में अभी हम लोग सिखा रहे हैं। तो ये आप करके बताएंगे हमको? बिल्कुल, अभी एक बार हम लोग इसको करके बता देंगे। जो थ्योरी पार्ट में हम जो इन लोगों को जो इसको सवेरे बताए हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पर प्रैक्टिकल करके इन लोगों को एक बार दिखा देंगे, फिर ये लोग खुद से अपने आप प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट जी, आप देखिए सवेरे एक करके दिखाइए। जब हम लोग सवेरे थ्योरी क्लास में थे तो हम लोग यही बात किए थे कि थ्री फेज का जो मोटर होगा उसमें तीन वाइंडिंग होगा, तीनों फेज का एक एक अलग अलग वाइंडिंग होगा। तो ये तीन फेज का थ्री फेज का मोटर है, इसमें देखिए तीन वाइंडिंग है और हर वाइंडिंग का दो एंड है, एक स्टार्टिंग एंड हो जाएगा और दूसरा उसका फिनिश एंड हो जाएगा। हम लोग मान लेते हैं कि तीनों नीचे वाला स्टार्टिंग है, हालांकि उसका भी एक अलग से पोलैरिटी टेस्टिंग होता है, हम लोग बाद में सीखेंगे। ठीक है, अभी नॉर्मली हम लोग स्टार डेल्टा कनेक्शन सीख रहे हैं, जब इसको सीख जाएगा तो बाद में फिर हम लोग पोलैरिटी टेस्टिंग भी सीखेंगे। एक्सक्यूज सर, आज स्टार डेल्टा कनेक्शन के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, आज स्टार डेल्टा बता रहे हैं, मगर बीच में ये बताना भी जरूरी है, ये वर्ड तो हमको जोड़ना था इसलिए उसको बीच में ऐड किया। तो सपोज कीजिए कि ये वाला जो टर्मिनल है उसको हम लोग मान लिए U1, जिसको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है U1, यानी हमने यहाँ पे 6 पॉइंट ड्रॉ किया है, 2, 3, 4, 5, 6। अभी हमने किसी को कोई नाम नहीं दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे मल्टीमीटर रखते हैं और मल्टीमीटर को हम सबसे पहले कंटिन्यूटी मोड पे रख देंगे, वजह को चेक कर लेंगे कि हाँ मिल रहा है कि नहीं। उसके बाद अब हम चेक करेंगे कि इसका अगर ये स्टार्टिंग है तो इसका एंड पार्ट कौन सा है, तो हम पहले सबसे पहले यहाँ देखते हैं, देख रहे हैं कि कोई भी रीडिंग नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसका इस टर्मिनल का अंदर तो हमने मान लिए कि ये U1 है, ये V1 है और ये W1 है। अब हम इसका एंड पॉइंट को खोजेंगे, इसका दूसरा जो पार्ट है, दूसरा जो छोर है उसको खोजेंगे। इसके लिए हम लोग मल्टीमीटर लेंगे, मल्टीमीटर को हम लोग कंटिन्यूटी मोड पर सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इन दोनों तारों को चटा के पहले चेक कर लेंगे मेरा मल्टीमीटर ठीक है। देखो ये बीप का साउंड जो है ये हमको ये बता रहा है कि मल्टीमीटर बिल्कुल ठीक है, इसकी ये दोनों प्रोब जो है ये दोनों तार भी अच्छा है। अब हम इसको यहाँ पर रखेंगे, रखने के बाद हम चेक करेंगे इसका जोड़ा कौन है। यहाँ रखते हैं, देखिए मेरे मल्टीमीटर पर कोई रीडिंग नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसका जोड़ा बिल्कुल भी नहीं है। अब हम दूसरे की तरफ ले जाएंगे, जैसे ले जाएंगे हम देखेंगे फिर मल्टीमीटर की तरफ, देखिए कोई आउटपुट हमको नहीं मिल रहा, तो हम तीसरे पर ले जाएंगे। देखिए जैसे ही ले गए 68.8 ओम हमको मिल रहा है। ठीक है, अभी भी हम उसको नोट डाउन नहीं करेंगे। उसके बाद हम V1 पे आ जाएंगे, अब V1 का जो पेयर है उसको हम खोजेंगे। तो हम जब यहाँ पे रखते हैं तो देखिए V1 का पेयर हमको यहीं पे मिल गया। ठीक है, उसके बाद हम W1 पे आते हैं और W1 का भी पेयर देखिए हमको यहाँ पे मिल गया। इसका मतलब है कि इसका पेयर ये है, इसका पेयर ये है और इसका पेयर ये है। इसको हमने यहाँ पे कॉपी में वाइंडिंग ड्रॉ कर लिया है, जिस अंदाज में यहाँ पे है उसी अंदाज में हमने इस ये टर्मिनल ब्लॉक को बनाया। ठीक है, और बनाने के बाद वाइंडिंग के जैसा एक ड्रॉ कर लिया, हो गया। ये U1 हुआ, ये U2, ये V1, ये V2, ये W1, ये W2, जिस तरह से यहाँ पे है सेम उसी तरह से हम यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दिया। अब हम इसको सबसे पहले ओम मीटर में लेके चले जाएंगे। अब हम इस प्रोब का पहले वाइंडिंग, प्रोब का रेजिस्टेंस चेक कर लेंगे कितना है। ठीक है, 0.6। ठीक है, 0.6 या 0.4 इसका अपना रेजिस्टेंस है। अब हम देखें यहाँ से इसका जोड़ा ये था, चेक करेंगे 68.6। ठीक है,
0.6 तो इसी का था, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 68 ओम। कितना? इस वाइंडिंग का हमको 68 ओम मिला है। अब हम इसको देखेंगे 68.7, यानी 68.1, क्योंकि 0.6 तो तार का ही है, ये कितना हो गया 68.14। अब हम लोग इसका देखते हैं, यानी W1 और W2 का, ठीक है, 68.6 यानी 68 ओम कितना हो गया 68 ओम। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, जो भी हमको इस तीनों फेज का जो वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस जो मिला लगभग सब आसपास मिला, 68 ओम, 68.1 ओम, 68 ओम। इसमें अगर गलती से कोई भी एक कम आ जाता, सपोज करिए 10 ओम आ जाता, कितना आ जाता 10 ओम आ जाता, इसका मतलब ये मोटर मेरा मोटर का जो वाइंडिंग है वो हेल्दी बिल्कुल भी नहीं है। फिर इसको हम स्टोर में जमा कर देंगे, फिर वहाँ से ये बन के फिर से आएगा। ठीक है, तो ये हो गया मोटर का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वाइंडिंग का, उसको मेजर करने का तरीका, प्लस उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को खोजने का तरीका, U1 कौन सा है, U2 कौन सा है, V1 कौन सा है, V2 कौन सा है, W1 कौन सा है, W2 कौन सा है। अब आते हैं हम लोग इसमें कैसे स्टार करेंगे और कैसे डेल्टा कनेक्शन बनाएंगे। तो देखिए ये जो ऊपर का तीनों पॉइंट है, ये तीनों को हम मान लिए फिनिश पॉइंट है, ये तीनों को मान लिए हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट है। इन तीनों फिनिश पॉइंट को जब हम लोग शॉर्ट कर देंगे तो हम लोग के पास सिर्फ 3.3 टर्मिनल बच जाएगा। ये तीन टर्मिनल जब हम 3 फेज सप्लाई इसमें दे देंगे तो ये मोटर मेरा स्टार में चलेगा। स्टार बनाने का एक और बहुत आसान तरीका वो भी है कि आप इन तीनों को शॉर्ट नहीं करके इन तीनों को शॉर्ट कर दीजिए और इन तीनों में सप्लाई दे दीजिए, इससे भी मोटर स्टार में ही चलेगा। ठीक है, ये स्टार हो गया। और डेल्टा के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका जोड़ा चूंकि ये है और इसका जोड़ा ये है और उसको हम लोग यहाँ पे ऐसे बना लेंगे। स्टार करने के लिए हम लोग इन तीनों को शॉर्ट कर दिए, ठीक है, या और कर देते हैं और फिर से हम लोग यहाँ ड्रॉ करते हैं। ये हम लोग ऐसा ड्रॉ किए थे, ये इसका जोड़ा था टू है और ये V2 है। तो पहली बार में हम लोग ऊपर में तीनों टर्मिनल को शॉर्ट किए थे, यहाँ तीनों में हमको सप्लाई देना था, इस बार हम तीनों नीचे वाले को शॉर्ट करेंगे, ऊपर में सप्लाई दे देंगे, तो ये बन जाएगा स्टार कनेक्शन। क्या बन जाएगा? अब जब हम इसको डेल्टा बनाएंगे इसी में बस थोड़ा सा चेंज करेंगे, डेल्टा बन जाएगा। डेल्टा के लिए हम लोग फिर से अब हम लोग उतना वाइंडिंग नहीं दिखाएंगे क्योंकि यहाँ वाइंडिंग को समझ चुके हैं, सिर्फ हम लोग इसका टर्मिनल बॉक्स का जो को ही यहाँ ड्रॉ करेंगे, इसका नाम U1, V1, W1, ये है U2, ये है W2 और ये है V2। ठीक है, डेटा बनाने के लिए पहला का स्टार्ट को दूसरे के फिनिश से शॉर्ट कर देंगे, दूसरा का स्टार्ट को तीसरे के फिनिश से शॉर्ट कर देंगे और तीसरा का स्टार्ट को पहले के फिनिश से शॉर्ट कर देंगे। देखिए बन गया डेटा। अब हम यहाँ पर अगर लाइन 1 देते हैं, यहाँ पे लाइन 2 देते हैं और यहाँ पे लाइन 3 देते हैं तो मोटा मेरा बन गया डेल्टा में। तो बन गया, बहुत आसान है, क्या आप लोग कर लेंगे? चलिए आइए अब आप लोग इसको करके देखो। सबसे पहले इसका जोड़ा खोज कर दिखाओ, मान लिए ये U1 है, ये V1 है, ये W1 है। ठीक है सर, जो हमारे सगीर सर है वो अभी डेल्टा कनेक्शन के बारे में स्टूडेंट को आज का जो टॉपिक था उसमें बताए हैं, और अब हम स्टूडेंट से इस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं, उन्हें इस चीज़ के बारे में कितना समझ में आया वो खुद से करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। तो हमारे फैकल्टी मिस्टर सगीर अहमद सर ने आज का जो प्रैक्टिकल था स्टूडेंट को अच्छे से समझाए हैं, और हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे स्टूडेंट इसे कितने अच्छे से समझे हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। इसको
इसका ये आएगा 16 bit, इसका देखो ये आ गया, इसका ये है, इसका चेक करते हैं, इसका ये तो मिल चुका है। हाँ, तो इसका ये जी सर, इसका ये हो गया, ठीक है जी सर। ये हो गया U1, ये होगा U1, V1, W1, इसका पेयर कौन सा हो गया, ये होगा W2, U2, हाँ, इसका हो गया आपका V2, ये रहा, ठीक है, W2 ये रहा इसका, ठीक है, सबका पेयर मतलब यहाँ पे है। तो अब आप आराम से उसको खोज लेंगे। जी सर जी, ठीक है ना जी सर। इसका जरा सा इंटरनल रेजिस्टेंस ले लीजिए। सबसे पहले हम इसको ओम में सेलेक्ट करेंगे, ओम मीटर पे जी सर, 200 पे, 200 ओम पे हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसका पेयर ढूंढना है, नहीं आप तो वाइंडिंग रेजिस्टेंस, वाइंडिंग रेजिस्टेंस ढूंढना जो है, ये इसका नहीं है, इसका ये है 68.6 आ रहा है, ठीक है ठीक है, इसका ये भी नहीं है, इसका आ रहा है 67%, 67.7% सेवन, इसका ये हो, इसका 68.1 हो गया, ठीक है जी सर। सबको यहाँ पे हम लोग डूइंग में जो भी है यहाँ पे कैलकुलेट करके बता दिए कौन किसका कितना आ रहा है, ठीक है। स्टार कैसे बनाएंगे, स्टार बनाना हो तो सबसे पहले हम तीनों का पेयर ढूंढेंगे, उसके बाद अगर स्टार बनाना है तो हम नीचे वाले को एक दूसरे से शॉर्ट कर देंगे, चाहे ऊपर वाले को एक दूसरे से शॉर्ट कर देंगे, और सप्लाई तीनों का एक तीन बचेगा तो तीनों में सप्लाई दे देंगे, तो स्टार कनेक्शन हो जाएगा ये, ठीक है। और डेल्टा बनाना हो तो हमको सामने सामने जो भी है उसको, मतलब वी वन है जो यू वन है उसको वी टू के साथ शॉर्ट करेंगे, और जो वी टू है वी वन है उसको यू टू के साथ शॉर्ट, डब्ल्यू टू के साथ शॉर्ट करेंगे, और जो डब्ल्यू टू डब्ल्यू वन है उसको यू टू के साथ शॉर्ट कर देंगे। इससे हम लोग का डेल्टा कनेक्शन हो जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरत है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मेहताब है। मेहताब, आपको इंश्योरेंस के बारे कैसे पता चला था? मेरा एक दोस्त था जो सेफ्टी यहाँ पे कोर्स करने आया था। अच्छा, कितने साल पहले? वो कम से कम एक साल पहले आया था। अच्छा अच्छा, तो उसी के थ्रू मैं यहाँ का बारे में जान सका हूँ, और मैं यहाँ पे आया था इलेक्ट्रिकल का कोर्स करने के लिए। आपने डेमो क्लास लिया था क्या? जी सर। तो ये हमारे स्टूडेंट है और ये आज प्रैक्टिकल के बारे बताए हैं, तो आपको पूरा समझ में आया जो सगीर सर ने आपको पढ़ाया आज का प्रैक्टिकल था? आप सभी को समझ में आया? जी सर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यूपी से रहने वाला हूँ, मेरा नाम रियाज अंसारी है। अच्छा, आप रियाज यूपी के रहने वाले, यूपी कौन सा डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले? कुशीनगर। कुशीनगर से आप? कुशीनगर। आप भी कुशीनगर से? आप कुशीनगर। आप तीनों कुशीनगर से? आप लोगों को कैसे मालूम चला इंस्टीट्यूट के बारे में? जी, मेरे इससे पहले मेरे बड़े भाई थे, उनका नाम रियाज अंसारी है, वो यहाँ से करके गए थे और फिर उन्होंने सजेशन दिया, आप डेमो क्लास भी लिए थे? आप सभी ने डेमो क्लास लिया, तो डेमो क्लास में आप सभी को समझ में आया कि इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना। तो अभी आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो हमारे इस चैनल को देख रहे हैं और इच्छा होता है कि इलेक्ट्रिकल कोर्स करें, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, यहाँ पर अच्छे टीचर हैं, अच्छा लैब है, सब चीज़ अच्छा प्रोवाइड किया जा रहा है और अच्छे से पढ़ाई होता है। जो चीज़ पढ़ा रहे हैं सर, आप लोगों को सभी को समझ में आ रहा है, अच्छा से समझ। तो आप लोग अभी आगे और टाइम बचा हुआ सीखने के लिए अच्छे से आप लोग सीखें और बस सही ढंग से सीखते रहिए। और कोई भी ऐसा दिक्कत होता है, राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट आपके साथ है। होपफुली हम लोग ये कोशिश भी करेंगे आपको जॉब लगाने का, और सब आप लोग यहाँ से एक ना एक दिन जॉब होल्डर बनेंगे, ठीक है। ये हमारे राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हैं। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल था डेल्टा कनेक्शन के बारे में, हम लोगों ने देखा डेल्टा कनेक्शन किया जाता है, और हम अपने व्यूवर्स से ये कहना चाहते हैं कि आप सभी का अगर कोई भी इरादा हो टेक्निकल ट्रेनिंग लेने का, एक बार राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट विजिट कीजिए। हमारे यहाँ प्रैक्टिकल लैब है मॉडर्न, और हमारे टीचर एक्सपीरियंस टीचर है, टाटा एसयू के फैकल्टी भी हमारे पास यहाँ टाइम देते हैं, और बहुत सारे यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं। गर्मी के मौसम में एसी क्लासरूम्स है हमारे पास, और प्रैक्टिकल लैब है हमारे। तो आप एक बार डेमो क्लास आके यहाँ पर लीजिए और खुद डिसाइड कीजिए। और भी आपको देखिए, आज के डेट में आपका पैसा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वक्त भी, तो आप डेमो क्लास जरूर लें, इससे आपको समझ में आ गया इंस्टीट्यूट क्वालिटी क्या है। तो उम्मीद करते हैं आप ये वीडियो को देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी लोगों तक ये मैसेज पहुंचे। थैंक यू राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट।